अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी 2024 का दिन है और आज के दिन जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं और आज के दिन जो है वो हम वोट डाल के ये साबित करेंगे कि हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं। वोट डालना जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने वोट डालना होगा तभी आप जो है वो अपने MNA और MPA पे जो है वो गिला कर सकें कि उसने जो है वो हमारे जो इलाके के लिए जो है वो काम नहीं करवाया। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर आपका गिला करना जो है वो बिल्कुल बेजा होगा, यानी कि आप बिल्कुल भी जो है वो किसी भी बंदे पे या पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे या वज़ीर आला पे या अपने इलाके से जो आपका MN MPA कनेक्ट होगा आप उस पर एतराज़ करना आपका जो है वो बचेगा ही नहीं, यानी कि कोई जवाब ही नहीं बाकी रहेगा। वो तो आप छोड़ें ना, क्योंकि फिर आपको जो है वो बोलने का हक भी नहीं होगा और ना आपको अपनी राय देने का हक होगा कि फ़लाँ पार्टी ने गलत काम किया या इसने गलत काम किया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो वोट डालें, चाहे आपका कैंडिडेट हारे या जीते, लेकिन जो है वोट आपको डालना चाहिए क्योंकि इससे पता लगेगा कि आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में रह रहे हैं। तो चाहे आपके साथ नासाफियाँ हों बाद में, लेकिन वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आपको जो है वो वोट ज़रूर डालना। और आज मैं वोट डालने के लिए जा रहा हूँ, मैं रेडी शेडी हो चुका हूँ और आज मैं जो है वो वोट डालूँगा। और ये जो मेरा एरिया है यहाँ से जो है वो बेसिकली नून लीग जीती है। पिछली बार भी जो है वो नून लीग के कैंडिडेट जो थे उन्होंने काफ़ी वाजबर्दी से यहाँ पे जो है वो जो हमारा ये पोलिंग स्टेशन है यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। तो लेकिन मैं जो है वो नून लीग को वोट नहीं डालने वाला। मेरा जो वोट है वो उस लीडर का है जिसने जो है वो आगाही दी है कौम को और जिसने जो है वो कौम को शऊर दिया है कि वो जो है वो अपने हक़ के लिए कैसे लड़ सकते हैं और जिसने जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर और WHO के अंदर जो है वो आंखों में आंखें डाल के जो है वो सबके सामने खड़ा रहे डट के। और अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आपका कि वो कौन है। तो इंशाल्लाह हम भी जो है वो आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और हमारी ये जंग जो है वो जारी रहेगी। और मैंने जो है वो वोट डालने के लिए अपनी वोट की पर्ची जो है वो बनवा ली है, आपको जो है मेरे हाथ में नज़र आ रही होगी और दिखाई दे रही होगी। और वोट डालने से पहले जो है वो आपको ये पर्ची बनवानी पड़ती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कैंप इसी सिलसिले में लगे हुए हैं कि जिस बंदे ने भी जो है वो यहाँ पे वोट कास्ट करना है उसको पहले जो है वो यहाँ पे ये पर्ची बनवानी पड़ती है। और मैंने जो है वो अपना वोट कास्ट कर दिया और एक जिम्मेदार शहरी होने का एहसास दिया है पूरे पाकिस्तान को। तो आप लोग भी जो है वो आज के दिन वोट का जरूर कीजिएगा। हक बात पे करती है तो गर्जे जुबा मेरी, इजहार तो कर जाएगा बहता हुआ लहू मेरा। तो आज का वोट जो है वो मैंने उस बंदे को दिया जिसने जो है वो आज़ादी के लिए और पाकिस्तान के लिए और पूरी कौम के लिए जो है वो दुनिया की आंखों में आंखें डाली। और हम जो है वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं, हम जो है वो उस बंदे के साथ खड़े हैं जिसने जो है वो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाली और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और रात को जो है वो आपने हमारी जो है वो शेरनी की वीडियो देख ही ली होगी कि किस तरह से उसने जो है वो धड़ल्ले से आंखों में आंखें डाल के बताया कि अभी भी जो हमारे अंदर जज्बा है वो ख़त्म नहीं हुआ लड़ने का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हारून शाह को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय फ्रॉम द इलेक्शन डे। अस्सलाम वालेकुम।